अलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो है हेयर स्टाइल की। क्रिम्पिंग मैंने पहले से ही कर ली थी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो क्रिम्पिंग की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा जो है कुछ टेक्निक्स हैं कि कैसे हमने बैक कॉम होल्ड करना और पिन अप करना, ये चीज़ें सारी जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सिखाऊंगी। और मैंने ईयर टू ईयर एक दोनों साइड से सेम पार्टीशन कर ली है, नीड सेक्शन निकाल ली है और उनको मैंने सेक्शन क्लिप के साथ होल्ड कर लिया है। अब क्या करना है कि एक पतला सा स्लाइस हमने लेना है इस तरीके से, और आपने उसको बिल्कुल नीड सा सेक्शन बना के आपने उस पर जो फर्स्ट लेयर है उसमें मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हार्ड बैक कॉमिंग नहीं कर रही। बैक कॉम आप जब फर्स्ट लेयर पे ही इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हो तो उसको नीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जबकि जो सेकंड लेयर होती है उस पे आपको चाहिए कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड जो है वो आप बैक कॉम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेयर में मैं चाहती हूँ कि आप हल्की ही रखें, क्योंकि जब आप फर्स्ट लेयर को ज़रा हल्का रखते हो तो वो बहुत नीट लुक देता है और आपका जो हम्प होता है वो बहुत अच्छे से बन जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ मूव हो रही हूँ और मैं एक और इसी तरह से गाइडलाइन लेके पतले पतले सेक्शन बना के बैक कॉमिंग करते हुए आपको दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल है, हमने आज सोचा कि ख़ुद से ही कोई नया हेयर स्टाइल क्रिएट करते हैं और बना के देखते हैं कि कैसा लगेगा। अब ये देखिए, मैं नोवा गोल्ड का जो स्प्रे है उसे यूज़ कर रही हूँ, और इसको यूज़ करने के बाद मैं जो जितने भी हेयर्स हैं वो सारे पीछे की तरफ इनको फैला लूँगी और इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से फिंगर टिप की मदद से इनको सुलझा लूँगी। अब बारी आती है हेयर्स को होल्ड करने की कि आपने किस तरीके से होल्ड करना है। आपने इनको अच्छे तरीके से ऊपर से होल्ड करके हल्के हल्के हाथों से कॉम की मदद से नीट कर लेना है। अब आपने लिटिल बिट स्प्रे की मदद से उसको नीट कर लेना है, क्योंकि जो स्मॉल हेयर हैं वो जो बुरे लगते हैं उनको भी नीट करना ज़रूरी होता है। और आपने जब पिन्ने लगानी है तो उन पे भी थोड़ा सा स्प्रे कर लेना है, ताकि जो भी बार आपकी पिन्ने लगी हुई हों वो खिसक के नीचे ना आए और आपका हेयर स्टाइल एज इट इज़ उसी तरीके से अच्छे से स्टे करे। क्रॉस में पिन्ने लगा दी और मैंने इस तरीके से इसको सेट कर लिया। ये देख सकते हैं, अब जो बाल हैं बाकी बचे हुए इन सबको आपने क्या करना है कि इस तरीके से फ्रंट वाली साइड पे आपने सारे बालों को अच्छे तरीके से आगे की तरफ सेट कर लेना है और पिन अप कर लेना है। हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा पिन्ने भी मत लगाइएगा, उस हेयर स्टाइल की सारी लुक जो है ना वो ख़राब हो जाती है। देख सकते हैं कि हमने इनके हेयर स्टाइल को पिन्ने लगा दी हैं और जो ये बाल है इनको मैं कर्ल कर लूँगी। इनके मीडियम लेंथ ही, इतने लेंथी बाल नहीं थे। अब फ्रंट से जो है मैंने हल्की हल्की ये फ्रंट साइड पे भी पफ की मैंने बैक कॉमिंग कर देनी है, ताकि वो ऊपर उठा हुआ हो और बैठे ना। हाफ बाल जो हैं वो मैंने सेक्शन क्लिप की मदद से साइड पर होल्ड कर लिए। यहाँ पे झूमर लगाना होता है तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऐसे स्लाइसेस ले लेनी है। स्लाइस लेने के बाद अब ये देखें, आपने थोड़े से बाल कर्ल के लिए छोड़ देने हैं। अब आपने इस तरीके से एक पतला सा स्लाइस लिया और उसमें भी हल्की हल्की बैक कॉमिंग कर देनी है। बैक कॉम करके आपने इसी तरह से अगेन दूसरी स्लाइस पे भी सेम टेक्निक के साथ बैक कॉम कर देनी है। हमारे सैलून में 3 डेज की मास्टर क्लास होने जा रही है और सर नदीम जो प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट है
वो आएंगे, और विद प्रैक्टिस हो रही है, अगर किसी ने लेनी है तो 23, 24 और 25 सितंबर को एक क्लास हो रही है। बुकिंग आपने करवानी है तो आप शांजे सलोन में बुकिंग करवा सकते हैं। हेयर का काम जो होता है वो बहुत कम लोग जो सोच समझ के अच्छे तरीके से करते हैं, और उनसे सीखा हुआ काम इंसान को आगे जाके बहुत फ़ायदा देता है। इसमें आप देख सकती हैं किस तरीके से आपने, ताकि जो आपका फ्रंट का पफ है वो भी ऊपर की तरफ उठा हो, बैठा बैठा ना बने, तो इस तरह से आपने इनकी भी पत्ती पत्ती स्लाइस लेकर हल्के हाथों से बैक कॉम कर देनी है। अभी आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको एक साइड पे मूव करूँगी तो ये इतने अच्छे तरीके से उठा हुआ रहेगा, और पूरा फंक्शन गुजर जाने के बाद भी ये इसी तरीके से रहेगा। ये देखने सारे बालों को ऊपर की तरफ फोल्ड करके उन पर स्प्रे कर देना है, और अच्छे तरीके से कॉम की मदद से जो भी आपके बाल हैं, जो फ्रंट के उठे हुए बाल होते हैं जो नीट लुक नहीं देते, तो उसको अच्छे तरीके से सुलझा के आपने एक साइड पे पफ को मूव कर देना है, और यहाँ पे आपने सेक्शन क्लिप की मदद से इसको होल्ड कर देना है। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे होल्ड करके पिन लगा दी हमने, पिन लगाने के बाद हमने इसको राउंड राउंड घुमा के एक फ्लावर की शेप दे दी, और यहाँ पे हमने इसको पिन अप कर दिया, और जो बाकी के बचे हुए बाल थे उस पर भी स्प्रे कर लेना है आपने अच्छे तरीके से, और इनको सुलझा के नीट लुक दे के उसी फ्लावर पे आपने राउंड सा मतलब स्प्रेड करके राउंड राउंड घुमा लेना है। आप जब कुछ हेयर स्टाइल बना लेते हैं तो आप इतना अच्छे तरीके से कोई भी हेयर स्टाइल देख के भी बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। जो मैंने कर्ल्स कर लिए थे बालों को, उनको मैं एक दूसरे पे मूव करके एक ही ब्रेड बना लूँगी। एक ब्रेड बनाने का मकसद ये होता है कि इस पर आप फ्लावरिंग कर सकते हैं, बिल्ड्स लगा सकते हैं, जिस तरह के हमने लगाए हैं इस तरह आपने कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।